गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम राइट नाउ इज 9 AM इन इंडिया एंड यहाँ पे हो चुका है 7:30। आज वाला एनालिसिस खत्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड देन टान के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अक्टूबर मंथ इतना ज्यादा वोलेटाइल है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक कैंडल ग्रीन बन रहा है तो दूसरा वाला कैंडल रेड बन रहा है, डजंट मेक सेंस। इंक्रीज द पोजीशन साइज, पोजीशन साइज थोड़ा छोटा रखेंगे, टेस्ट करेंगे, कुछ कुछ छोटा 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 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। बट अभी मेरे को इंडिया जाना था एक्चुअली, बट मैं इंडिया जा नहीं पाया। एंड ये गोप्रो जो मेरा था, इट हैज़ बीन ऑलरेडी सोल्ड। बट अभी अगर मैं जाता तो फिर लेके जाता, सो आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप जो मैं जाऊँगा मे बी नेक्स्ट मंथ, तब मेरे को इसको लेके जाना है। एंड अभी ओनली दिस Insta360 इज पेंडिंग। अगर इसको लेना है डायरेक्टली ले सकते हो, ऑफिस का ईमेल एड्रेस यहाँ है, जाकर पे कर देना जब मैं इंडिया जाऊँगा। ये दोनों चीज, दिस इज ऑलरेडी सोल्ड, इसको मैं जाऊँगा फिर लेके जाना। इस बार मे बी मैं इंडिया जाने के टाइम एक iPhone 14 Pro और एक 14 Pro Max भी मैं भी लेके जा सकता हूँ। अगर वो भी किसको चाहिए तो ईमेल कर सकते हो, क्योंकि बेकार अगर खाली हाथ जाने से अच्छा एक दो फ़ोन लेके चलो जो लेके भेज देंगे। एनीवेज, सो आज का अपना ये ऑफिस नहीं, दूसरे वाले ऑफिस से काम होगा। वो ऑफिस पहुँच के विल शो यू कि आज का अपना प्लान क्या है। प्लान इज़ कि अपने को, ओ भाई यहाँ पे साली कितना लगता है टोल का, एक महीना में टोल का चार्जेस ओनली 5,000 रुपीज़ लग गया। अभी फिर से और एक बार मेरे को 4,000 रुपीज़ रिचार्ज करना पड़ेगा। होली डैम, टोल भी इतना लगता है। चलो एनीवेज चलते हैं। व्हाट इज दिस, कौन बेटा? फर्स्ट कोलैब, ओ दुबई कोलैब, फर्स्ट दुबई कंपनी इट इज, दुबई ज्वेलरी। ओके ओके, व्हाट आर दे मेकिंग, इंडियन ओनर और समवेयर एल्स? चलो भाई लोग निकलते हैं। एंड अभी यू माइट नॉट बी नोइंग, अभी ये टाइम पे आई वुड हैव बीन इन स्विट्जरलैंड डूइंग माय रोड ट्रिप। आज के डेट में हमारा एक बॉयज वाला ट्रिप प्लान होके था, बट सैडली आई कुडंट लीव। मेरा दोस्त जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो कल पहुंचेगा, ऑलरेडी वो फ्लाइट में है। मैं भी उसके साथ जाता, मैं और वो दोनों का पूरा मस्त वाला रोड, उसका वो फर्स्ट वाला यूरोप ट्रिप है। सो वी हैड प्लान कि हम लोग चलते वहाँ पे, एक लंबा वाला रोड ट्रिप बनता, बट जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कोई चूतिया ने मेरा पैसा मार दिया था, उसी के केस के पीछे उसको सॉल्व करने मेरा टाइम निकल गया। यहाँ दुबई में बहुत सारे एजेंसी स्कैमर्स रहते हैं, वो बहुत पैसा मारते हैं। सो बेसिकली आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप एजेंसीज को यूज़ ही मत करो, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने इतना अच्छा से सब कुछ प्रोसेस डाला हुआ है, यू एब्सोल्युटली डोंट नीड टू यूज़ एनी एजेंसी। आप सीधा जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाके खुद काम करवा सकते हो। कोई भी एजेंसी को यूज़ मत करो। जब भी आपको रेसिडेंसी लेना हो या फिर कोई कंपनी रजिस्टर करना हो, रिन्यूअल करना, कुछ ही कोई भी काम के लिए कोई एजेंसीज को यूज़ मत करो। एजेंसी को करोगे मतलब वो साले पैसा ही मारेंगे, उनका मतलब एजेंडा ही रहता है पैसा मारने का। सो डोंट एवर यूज़ एनी एजेंसीज इन दुबई। सीधा आओ, खुद काम करो गवर्नमेंट ऑफिस में, सीधा जो इंडिया में से गवर्नमेंट ऑफिस में खुद जान से काम नहीं होता, यहाँ जाओगे तो इमीडिएट काम हो जाता है। हाईली रिकमेंडेड नॉट टू यूज़ एनी एजेंसी। वो एक चूती एजेंसी के लिए मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो गया, मैं वीज़ा के इंटरव्यू के लिए भी जा नहीं पाया, नहीं तो अभी आप स्विट्जरलैंड के व्लॉग्स देखते रहते। एनीवेज बैड लक, देखते हैं और एक प्लान, मतलब ट्रिप जल्दी प्लान करेंगे। चलो रे चलो, टाइम हो चुका है, आज थोड़ा मैं लेट हो गया। नॉर्मली 9:15 तक हम लोग बैठ जाते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। प्री मार्केट तो आजकल कुछ एनालिसिस भी काम नहीं करता है, क्योंकि जो भी आप एनालिसिस करो उल्टा जाता है कभी भी। मतलब जो इंटरनेशनल ग्लोबल क्यूज ऊपर जाता है तो इंडिया नीचे, इंडिया नीचे तो वो ऊपर, सब कुछ भी काम नहीं कर रहा। गैप डाउन, गैप डाउन, एनालिसिस सब कुछ ही ऊपर को सब उल्टा सीधा। एनालिसिस सब कुछ ही ऊपर और ग्लोबल क्यूज भी सब पॉजिटिव। जोड़े मिलेगो जो पड़े हॉन्ट हो, स्टॉप लॉस जो पड़े हॉन्ट हो। सो निफ्टी स्टार्टेड, बैंक निफ्टी आल्सो स्टार्टेड। निफ्टी का देखो सीधा जाके सपोर्ट से वो लग के ऊपर के पास है, हम लोग आज कॉन्ट्रा बैठे हुए हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। वो ऊपर से हायर हाइज मार रहे हैं, हम लोग बट उसके लिए नीचे बैठे हुए हैं। सो पी वाला एंट्री बैठा हुआ है। सो यहाँ एक छोटा वाला पोजिशन क्रिएटेड है, यहाँ पे एल्गो का पहला वाला पोजिशन ऑलरेडी एग्जिटेड। सो दिस इज वन अकाउंट, दिस इज द अदर अकाउंट। अभी देखते हैं कहाँ। सो ये कह रहा है कि अगर ये अपना इसके ऊपर चले जाता है तो काम ख़त्म, एग्जिट कर देने का। एंड अगर इसके नीचे आता है तो क्लोज टू 100 पॉइंट्स आना चाहिए, अगर इसको वो खाने के लिए आता है तो। सो लेट्स सी कहाँ जाता है। सो अभी के लिए तो पोजिशन चालू है एंड एवरेज ऑर्डर प्लेस्ड एट 385।
एंड इट्स समवेयर रनिंग अराउंड 392.90. अभी तक ये 40 या 50 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा जा चुका था, मतलब पकड़ लो अगर आप 1000 का क्वांटिटी रखते हैं, इट वुड हैव ऑलरेडी रीच समवेयर अराउंड 60-70,000. सो यहाँ पे ट्रेल करते 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 फाइनली स्टॉप लॉस हिट. सो 100 पोजिशंस में क्लोज टू 8,500, नॉट बैड, 85 पॉइंट्स. अगर 1000 पोजिशन रहता 85,000 कहते हैं ला एक्जाक्ट बाजी लाओ 54,000 सेटा मोर 200 ओके ओके. सो क्लोज टू 80 पॉइंट्स मिला, 80 पॉइंट्स स्ट्रेट, क्योंकि कितने कितने थिला था टोटल 500 900 है तो टी उच्च बचा टे ऊपर लगी. हाँ तो वही क्लोज टू 70 पॉइंट्स यहाँ मिला, यहाँ क्लोज टू 85 पॉइंट्स मिला. वो भी पूरा था वो कॉन्ट्रा इसी के अगेंस्ट, मार्केट ऊपर जा रहा था, हम लोग नेगेटिव में बैठे हुए थे. ये लाइन जैसे टूटा वहाँ पर थोड़ा पोजिशन ऐड हुआ, ये नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है. आज तो ये मार के ही जाएगा ये लोग को, ये पूरा यहाँ तक जाएगा 38,815 तक जाएगा, बट ना कम फिनिश बाजी वाला स्टॉप लॉस ना सही बाजी वाला था को बंद कर खोल की रखी हुई ये धर 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 चेंज हो रही है. हेलो एंट्री मिला हुआ है यहाँ देखते हैं. तो बैंक निफ्टी जस्ट टच द हाई 39,597, यहाँ से रजिस्टर करेगा वो फिबोनाची लेवल से, वही एग्जैक्टली वहीं पे था. एंड निफ्टी का भी एग्जैक्टली 17,200 एक लेवल्स था, तो यहाँ रिजेक्ट होना चाहिए. अगर ऊपर चले गया तो चले गया, तो अपना स्टॉप लॉस यहीं के ही है 40 पॉइंट का, वो जाएगा. सो ये दिस इज माई लास्ट ट्राई, लास्ट वाला एक ही पोजिशन लिया गया है. सो यहाँ रिजेक्शन होकर अगर 5 मिनट में एक अच्छा वाला रेड कैंडल बनाता है, आराम से वेट करेंगे. अगर ऊपर जाएगा तो जाएगा स्टॉप लॉस हिट, अगर नहीं करता है तो पूरा नीचे तक वेट कर सकते हैं. फिर से और एक बार 39,200 तक आना चाहिए, नहीं तो होल्ड डे में यहीं कहीं कंसोलिडेट करेगा 39,300-400 उसी के बीच. सो लेट्स सी कहाँ जाता है, विल अपडेट यू वंस वी सी सम पोजीशंस. अभी के लिए तो वो पॉजिटिव में चालू है एंड ऑलरेडी 20 पॉइंट्स आ चुका है. सो अभी ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट एटलीस्ट नेगेटिव में स्टॉप लॉस नहीं हुआ है. 220 स्टॉप लॉस था, सो पॉजिटिव में ही हुआ है. सो अभी देखते हैं स्टॉप लॉस हिट. सो अभी फिर से हमें एंट्री मिलना चाहिए और ट्रिगर ओके. सो अभी हम वेट कर रहे हैं कि 1 मिनट अभी नहीं देख रहे, अभी हम 5 मिनट्स वाला देख रहे हैं. सो 5 मिनट में यहाँ अगर मस्त वाला एक नेगेटिव कैंडल बनता है, उसके बाद वी कैन इजीली वेट टिल दोज लेवल्स एज वेल. सो अभी और थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा रिप्लेसमेंट लेगा, थोड़े बायर्स आएंगे. सो एक नेगेटिव कैंडल के लिए वेट करते हैं. अभी और एक एंट्री हुआ है, कितना 39,800 पी, स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड 736-650. ये वाला लो के नीचे जाने से और थोड़ा नीचे जाना चाहिए 50 EMA के पास, विल एग्जिट. अगर ऊपर चले गया यहाँ पे विल एग्जिट, जैसे अलार्म बजेगा विल एग्जिट. यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है. सो वी आर वेटिंग फॉर, हाँ बस अभी लो को तोड़ा है, मतलब अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे आना. यहाँ थोड़ा तो लेगा वो रिट्रेसमेंट लेगा, क्योंकि यहाँ लो था, फिर और थोड़ा नीचे आओ, बस 50 पॉइंट नीचे आएगा तो यहाँ पे अपन एग्जिट कर देंगे 600 पे. लेट्स सी कहाँ जाओ, अगर ऊपर चले गया फिर यहाँ से एग्जिट. सो अभी के लिए वो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है, स्टिल वेटिंग, हो गया नेगेटिव. सो भाई लोग आज वाला अपना एंट्रीज खत्म. सुबह वाला एंट्री तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हो गया, क्योंकि और छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट चल रहा था 50, 100, 200 पोजिशन में. मैं गया कितना 8500 अलग वाला अकाउंट में, वहाँ से जाके माइनस गया, फिर से ऊपर गया, फिर जैसे ही ऊपर टिप मारा मैं एग्जिट मार दिया, काम खत्म होना. 6-7 दिन के बाद फाइनली आज ग्रीन देखने को मिला. 5 दिन से रेडी देख रहे थे. कितना रहा फाइनल? 130,000 फाइनल. तो अपना तो ग्रीन हुआ है फाइनली. तो 5 दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं है, आज थोड़ा अपन निकलेंगे. कहाँ जाएंगे फर्स्ट? मर्सिडीज शोरूम निकलते हैं, और आधे घंटे में थोड़ा ऑफिस का काम खत्म वत्म करके उसके बाद निकलेंगे भी मर्सिडीज शोरूम. Delivery.
सो हम लोग आए थे अभी ये और मर्सिडीज CLA 45 S4M, ये तो इंडिया आती नहीं है। इंडिया में दिस इज आई थिंक समवेयर अराउंड 80 या 85 लाख, यहाँ पे है नहीं क्लोज टू 1 crore, एटा इंडिया पाखापा गोटे गोटे टाँगा किटा भितर अच्छे। हाँ यहाँ पे है समवेयर अराउंड 80 लाख्स। हाँ इंडिया में क्लोज टू अगर 1 crore है मतलब यहाँ पे 80 लाख्स ही होगा। बट इट इज़ फुल्ली लोडेड एंड डेक्ड अप ब्लैक पैकेज के साथ, नाइट पैकेज के साथ, इंजी पैकेज, एवरीथिंग इज लोडेड अंदर में भी। ये मेरा फ़ोन में ही कनेक्टेड है, म्यूज़िक मेरा ही बज रहा है परफेक्ट। एंड बेस्ट है कि इसमें एग्जॉस्ट नोड भी ख़तरनाक है, एग्जॉस्ट नोड अगर अब देखने जाऊँ। ओके सो अभी हम तापस के लिए यही वाला ही देख रहे हैं, और तो भी अच्छा ऑप्शन देखने को उनको एक्चुअली स्टार्टिंग में एक छोटा वाला काच है एंड ये पर परफेक्ट होगा, मस्त वाला एग्जॉस्ट नोड भी है उनका। भुवनेश्वर में ये वाला गाड़ी है, दिस इज़ द GLE 63, उनका है GLE 53 S AMG, दिस इज़ द 63 V8, उनका V6 है बट एग्जैक्टली द सेम से एवरीथिंग द सेम, उनका ये सेम व्हाइट कलर ही है एंड इज एक्चुअली सेलिंग द कार। अगर किसको GLE 53 S पर ब्रांड न्यू वाला चाहिए विच इज़ नॉट इवन डन मोर देन 3000 किलोमीटर्स, मेरे को ऑफिस वाला जो ईमेल पे रिप्लाई कर सकते हो, ईमेल भेज दो। अगर किसको खरीदना है इज गोइंग टू सेल इट फॉर समवेयर अराउंड आई थिंक 1.7 crore, उसने खरीदा था 1.85 crore एंड वो ऑनली चला है 3000 किलोमीटर, आपको 10-15 लाख का सेविंग्स हो जाएगा, सीधा आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाएगा एग्जैक्टली द सेम। ये गाड़ी जैसे दिख रहा है पूरा वैसा ही है, पूरा एग्जैक्टली ये गाड़ी जैसा है एग्जैक्टली द सेम व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। भुवनेश्वर में वो गाड़ी है अभी, वाइट कलर ही है। और जो जो सब मॉडल्स है जैसे E300 ये सब गाड़ी पर मज़ा नहीं आएगा, बेटर टू लुक फॉर द AMG 1 ओनली, आवाज़ होगा तो मज़ा आएगा तब। E3 है ये सब नाम नहीं, AMG ही चाहिए। इलेक्ट्रिक तो अपना ऑप्शन नहीं चला है क्योंकि वो जो नया वाला बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम देखते। और एक भी अच्छा ऑप्शन है AMG 45S, मतलब अभी ये जो है इसमें ये सेडान टाइप है, वो सेडान टाइप में थोड़ा ये टाइप, बट वो भी उनके पास स्टॉक में नहीं है तो मिल जाता, वो थोड़ा छोटा भी रहेगा, छोटा छोटा हैचबैक। दिस इज़ एस प्लस EQS, ये वाला तो उसमें EQS का जो टेस्ट राइड हमने लिए थे EQS का वीडियो ही बना था, इज द न्यू वन। EQS का स्क्रीन टा देखो, EQS का स्क्रीन टा देखो कैडा बड़ा भीतर। तो अभी इसमें अभी हमने जो व्हाइट वाला देखा उसमें कॉन्फ्लिक सब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या है। देखो मर्सिडीज में कॉन्फ्लिक कितना लंबा, इतना सारा कॉन्फ्लिक आपको मैनुअली सारा को सिलेक्ट करना पड़ता है, एक बार कॉन्फ्लिक करोगे तो गुम हो जाओगे क्या 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 डालना है। सुनो हिंदी बेटा, आस्क हिम हबीबी हाउ आर यू, ही इज मोर लाइक ए रोबोट, हिज एज इज 4.5। यू लाइक ड्राइविंग, सो व्हाट इट डज इज व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग इनसाइड द कार विल, हाउ डू यू ड्राइव, कैन यू शो हाउ डू यू ड्राइव, यस No sound. Electric. Now try gear. How to change gear? How to change the gears? Yes. So it does it like this because in Porsche there is one button. And now parking. Reverse parking. Reverse. Mm-mm. Now start driving. Fast. Yes. Your father should buy for you for PlayStation. Steering wheel. You have steering wheel? Free का marketing हो गया, we need to ask him money. सारे traders का यहाँ पर G-Wagon ही है, वो सामने आगे पीछे सारा जगह trading. ना, ये G-Wagon Brabus Edition. सारे traders यहाँ G-Wagon लेके ही घूमते रहते हैं. चलो आज तो यहाँ खतरनाक वाला पार्किंग में है गाड़ी, अभी ये सबसे ऊपर वाला पार्किंग में है आज, नॉर्मली नीचे पार्किंग मिल जाता है, नीचे यहाँ पार्किंग ही नहीं मिला एंड ऊपर वाला पार्किंग से व्यू देखो। ओह बुर्ज खलिया पूरा सामने रही थी, पूरा कच्चा देखा हुआ।